जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त औरंगाबाद जिले में है और एक बार तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए कितनी तादाद में आज जो कार्यकर्ता है वो जुटे हैं। चिराग पासवान खुद यहाँ मौजूद है। चिराग जी छोटा 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 सवाल लेंगे, चिराग जी आज बड़ी संख्या में युवा आपके साथ नजर आ रहे हैं, क्या बोलिएगा? देखिए ये हमारी ताकत है भाई, जिस तरीके से आज तमाम युवा एकजुट होकर तमाम बुजुर्ग साथ में आकर अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आज जो स्वर्गीय जगदेव बाबू की जयंती समारोह पर हम लोग एकजुट हुए हैं, उनका जो सपना था सामाजिक न्याय का, सामाजिक एकजुटता का, जिसको खंडित करने का काम मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, दलित महादलित में बांटकर, पिछड़ा अति पिछड़ा में बांटकर, अगड़ा पिछड़ा को एक दूसरे से लड़ाकर, तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाते हैं कि उन तमाम महापुरुषों के सपने को, मेरे खुद के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपने को, ये तमाम युवा अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ मिलकर हम लोग उसे पूरा करेंगे। युवाओं को लेकर के काफी देखा जाता है आक्रोश, चिराग जी अभी आरआरबी एनटीपीसी में भी छात्रों ने बहुत प्रदर्शन किया। नहीं बिल्कुल, और अपने जायज हक की लड़ाई के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे थे, पर जिस बर्बरता से उन पे लाठियां चलाई गई, चलाइए मुख्यमंत्री कोई बात नहीं, आप हम पर लाठियां चलाइए, इतिहास गवाह है कि जब जब छात्रों पर लाठियां चली हैं, जब जब युवाओं पर अत्याचार हुआ है, उस वक्त एक नया युवा आंदोलन खड़ा हुआ। हमारे खुद के मुख्यमंत्री तथाकथित खुद ऐसे छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, खुद अपनी लाठियां खाने की कहानियां वो सुनाते हैं, और जब आज खुद वो युवाओं पर लाठियां चला रहे हैं तो याद रखें कि ये भी बदलाव की एक नई दास्तान लिखेगा और नए बिहार की नींव आपकी इन लाठियों से ही हम युवा खड़ा करेंगे। बिल्कुल, चिराग पासवान थे साथ में और एक बार तस्वीर देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। औरंगाबाद जिले का ये धमनी हसनपुरा का इलाका है और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद है और बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो देखिए किस तरह से जो स्वागत है वो किया जा रहा है। और एक एक जो चिराग पासवान से हमने खास बातचीत की, उन्होंने बताया कि देखिए रोजगार की बेहद जो बिहार में कमी है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये कहते हैं कि बिहार में रोजगार मिलेगा, लेकिन अरुण कुमार को भी आप देख सकते हैं, पूर्व सांसद रहे हैं जहानाबाद से और वो खुद यहाँ पहुंचे हैं, अपनी पार्टी को हाल ही में उन्होंने विलय किया था। और देखिए चिराग पासवान के एक एक जगह पर उनके समर्थन के साथ जो है अरुण कुमार भी साथ दिखते हैं। तो